हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैडस्टाइलर्स ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था, हमने किया था एरे कमांड। सो एरे में हमारे पास थ्री ऑप्शंस आ रही थी, टाइप्स आ रही थी। हमने रेक्टेंगुलर एरे किया था, हमने पोलर एरे किया था और हमने पाथ एरे किया था। सो आई होप ये कमांड्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इनको आपने ट्राई भी किया होगा। सो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिलेट और चैम्फर और ब्लेंड कर्व्स। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये अप्लाई होते हैं, सो आइए वन बाय वन हम इन तीनों को करके देखते हैं, फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व्स। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है फिलेट। फिलेट की शॉर्टकट की होती है एफ एंटर। तो जैसे मैंने एफ एंटर किया तो यहाँ पे पूछ रहे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास है ही नहीं कोई भी, सो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो इसी के साथ जैसे मैं फिलेट एंटर कर रहा हूँ, एफ एंटर, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अब जैसे ही मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूछ रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरी जो कॉर्नर है वो रिमूव नहीं हुई, फिलेट जो है रिमूव नहीं हुई। फिलेट हम किस लिए यूज करते हैं, कॉर्नर को राउंड करने के लिए। ओके, हमारे इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं रखते हैं। ओके, यहाँ तो हम उसमें चैम्फर करते हैं, यहाँ तो हम उसमें फिलेट देते हैं। So, इसीलिए हम इसे अभी कॉर्नर को रिमूव करेंगे, ठीक है। सो एफ एंटर अगेन करके देखते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन आ रही है अंडू की। सो अंडू को आप कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ पॉलीलाइन की ऑप्शन आ रही है, इसको हम बाद में करेंगे। रेडियस की ऑप्शन आ रही है, ट्रिम की ऑप्शन आ रही है और मल्टीपल की ऑप्शन आ रही है। सो नॉर्मली हम यूज जब करते हैं फिलेट को, एफ एंटर करते हैं, उसके बाद रेडियस आर एंटर करते हैं, तो रेडियस हमें पहले चाहिए। रेडियस में यहाँ पे कितना दे देता हूँ, मान लीजिए रेडियस में दे देता हूँ 50 mm का। ओके, सो अब पूछ रहे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया एंड सेकंड, ये देखिए। तो जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, मेरा रेडियस पहले से ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ था 50, और ये देखिए इसका रेडियस एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए रेडियस कितना आ रहा है, 50। ओके, सो ये तो था एक कॉर्नर में। सो मुझे दूसरे कॉर्नर के लिए दोबारा फिलेट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिलेट आर एंटर और इसके साथ ही मेरा रेडियस कितना आ जाएगा, 50, अगेन फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, तो फिलेट लग गई। अब दोबारा मुझे फिलेट अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर तीसरी कॉर्नर मेरे को अप्लाई करनी है तो अगेन एफ एंटर। अब यहाँ पे क्या ऑप्शंस आ रही हैं, रेडियस तो मैं कर चुका हूँ, ट्रिम भी हम बाद में देखेंगे, मल्टीपल एक ऑप्शन आ रही है मेरे पास। मल्टीपल जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले मेरे को रेडियस फिल करना पड़ेगा, रेडियस कितना, 50, और उसके साथ ही मैं जैसे ही एम एंटर कर रहा हूँ, अगर मुझे एक से ज्यादा, मतलब मैंने एक बार फिलेट ऑन की और मुझे वो फिलेट जो है वो मल्टीपल टाइम्स यूज करनी है, ठीक है, तो एक से ज्यादा बार यूज करनी है, तो मैं एम एंटर करूंगा यहाँ पे। सो पुराने सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आती है, तो आप डायरेक्टली एम एंटर भी कर सकते हो और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आप देख सकते हो मेरी कमांड जो है ऑफ नहीं हुई है, मैं इसको नंबर ऑफ टाइम्स इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, सो एम एंटर आपने याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी आप फिलेट कर रहे हो, चैम्फर कर रहे हो, तो एम एंटर आपने जरूर करना है। ओके, सो इसी के साथ एक और ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे पॉलीलाइन की। ओके, सो मान लीजिए अभी तो मैंने मल्टीपल ऑप्शन भी देख ली, और अगर सिंगल सिंगल लगानी है सिंगल सिंगल भी देख लिया, बट अगर मुझे एक ही क्लिक में फिलेट लगानी हो फिर मैं किस तरह से लगाऊंगा, तो आप देखिए मैं यहाँ पे पॉलीलाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे रेडियस मांग रहा है, रेडियस मैंने दे दिया अगेन 50, रेडियस मेरा सेट हो गया। अब 2D पॉलीलाइन पूछ रहा है, तो मैंने पॉलीलाइन सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो एक ही बार में इसने सभी कॉर्नर्स को फिलेट कर दिया। ओके, सो इसके साथ एक ऑप्शन और आती है मेरे पास ट्रिम की। सो नॉर्मली क्या हो रहा है कि जब मैं कॉर्नर्स को कॉर्नर में फिलेट अप्लाई कर रहा हूँ तो वो ट्रिम हो रही है, बट यहाँ पे मैं ट्रिम मेरी जो है डिफॉल्ट ऑन ही रहती है। अब मैं यहाँ पे नो ट्रिम करके देखता हूँ मेरी कॉर्नर्स ट्रिम होती है कि नहीं होती है। ओके, सो मैं अगेन पॉलीलाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेडियस मैंने अगेन 50 दे दिया। ओके, 2D पॉलीलाइन सिलेक्ट करने को बोल रहे, तो मैंने पॉलीलाइन सिलेक्ट की, इस बार मेरा जो है कॉर्नर्स रिमूव नहीं हुए। ओके, सो यहाँ से अगर इस तरह की आपके पास कोई ड्राइंग आ रही है, इस तरह की कोई प्रोफाइल आ रही है, इस तरह का कोई आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप उसको इस तरह से बना सकते हो। ओके, सो नो ट्रिम का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको यूज करके कॉर्नर विद फिलेट और कॉर्नर साथ में भी रख सकते हो। ओके, सो अगर मैं ट्रिम अप्लाई करूं और अगर 2D पॉलीलाइन दोबारा देखूं, एफ एंटर, अब यहाँ पे ट्रिम की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, तो ट्रिम में मैं दोबारा ट्रिम करके देख लेता हूँ ट्रिम होता है कि नहीं होता। ओके, पॉलीलाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेडियस मेरे पास 50 आ रहा है और 2D पॉलीलाइन सिलेक्ट करने को बोल रहा है। अब देखिए इस बारी मैंने ट्रिम ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो ये कॉर्नर्स रिमूव हो रहे हैं मेरे।
ओके सो इस तरह से आप ट्रिम और नो ट्रिम को यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. ओके सो आई होप आपको ये फिलेट कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी. इसकी बात करते हैं हम चैम्फर. सो मैं इसी रेक्टेंगल को यूज करूंगा चैम्फर के लिए. सो चैम्फर यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी आ जाएगा और सी एच ए एंटर इसकी शॉर्टकट की होती है. सो जैसे मैंने सी एच ए एंटर किया उसी तरह से ऑप्शन दिखा रहे हैं मेरे पास, अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम मेथड और मल्टीपल. ये सारी चीजें वहां पे भी दे रखी थी बट वहां पे रेडियस दे रखा था, यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस और एंगल दे रखा है बिकॉज मेरे को जो कॉर्नर बनाना है वो चैम्फर बनाना है, मींस कि उसको टेपर बनाना है मुझे. ओके इट मींस मुझे कॉर्नर टेपर बनाना, उसका यहाँ से कुछ एंगल दिया होगा, यहाँ एक्स और वाई का डिस्टेंस दे रखा होगा. ओके तो इस तरह से इसको मैं बना के देखता हूँ. यहाँ से मैं डायरेक्टली ये कर रहा हूँ, डिस्टेंस सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो पूछ रहे फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैंने दे दिया 50 और अगेन सेकंड चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहे, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस दे दिया मैंने 60 और इसके साथ ही मैंने आपको जैसे फिलेट में बताया था मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो अभी मैं अभी नहीं सिलेक्ट करूंगा, अभी मैं सिंगल टाइम इसको यूज करके देखता हूँ. सेकेंड टाइम जब मैं इसको यूज करूंगा तो मल्टीपल यूज करूंगा. सी एच ए एंटर अगेन, डिस्टेंस अगेन 50, अगेन 60 और इस टाइम में मल्टीपल यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो एक से ज्यादा बार यूज कर सकता हूँ. ओके तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस को. इसी के साथ मेरे पास आता है एक और ऑप्शन एंगल का. ओके अगर चैम्फर आपको एंगल के साथ लगानी है तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है. यहाँ पे जैसे ही आप एंगल सिलेक्ट कर रहे हो तो पूछ रहे हैं चैम्फर लेंथ ऑन फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जो लाइन होगी उसकी लेंथ कितनी होगी मेरे पास. सो मैं यहाँ पे 50 दे रहा हूँ और यहाँ पे एंगल पूछ रहे हैं. सो एंगल मैंने दे दिया 45 डिग्री. तो 45 डिग्री का जब मैं एंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका मतलब होता है एक्स और वाई में दोनों में सेम डिस्टेंस है. यहाँ पे डिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से एक्स और वाई में सेम डिस्टेंस आता है विद एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये देखिए 50 डिग्री एक्स में आ गया और वाई में एंगल मेरा कितना आया, और वाई में एंगल कितना है मेरे पास 50. ओके सो एंगल भी एक बार चेक करके देख लेते हैं. मैं लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने लाइन ली, यहाँ से मैं एंगल चेक कर लेता हूँ अपना. ये देखिए 45 डिग्री आ रहा है और 45 डिग्री के साथ मैंने चैम्फर लगाई है, इट मीन्स मेरा एक्स का डिस्टेंस भी 50 होगा और वाई का डिस्टेंस भी 50 होगा. जो भी मैं वैल्यू दूंगा एंगल के साथ वो वैल्यू यहाँ पे एक्स और वाई में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ओके सो आई होप आपको ये कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट चलते हैं सी एच ए एंटर अगेन. अब इसके बाद डिस्टेंस के साथ भी मैंने चैम्फर लगा ली, एंगल के साथ भी मैंने चैम्फर लगा ली. अब इसके बाद मेथड एक ऑप्शन आती है, मेथड में कुछ नहीं है, जो आपके पास बाहर दे रखी है डिस्टेंस और एंगल वो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा. ओके सो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप डिस्टेंस और एंगल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेथड में जाके डिस्टेंस और एंगल वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके सो अगेन यहाँ पे ट्रिम की ऑप्शन है मेरे पास. सो ट्रिम में आपको मैंने फिलेट में भी बताया था ट्रिम डिफॉल्ट ऑन रहती है. मैं यहाँ पे नो ट्रिम करके देख लेता हूँ मेरे पास जो कॉर्नर है वो रिमूव होती है कि नहीं होती. सो अगेन यहाँ पे डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं 50 और सेकंड डिस्टेंस में यहाँ पे 60 ले लेता हूँ. तो आप यहाँ से देख सकते हो इसकी कॉर्नर अगेन रिमूव नहीं हुई. ओके सो इस तरह से आप नो ट्रिम को यूज कर सकते हो. अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, सी एच ए एंटर. मैं ट्रिम में अभी मैंने नो ट्रिम सिलेक्ट कर रखा है, मैं ट्रिम सिलेक्ट कर लेता हूँ. मैं पॉलीलाइन बना लेता हूँ, पॉलीलाइन में मेरे पास डिस्टेंस एंगल और मेथड तीनों ऑप्शन आ जाती हैं. सो मैं एंगल से भी बना सकता हूँ, एंगल मेरा कितना है 50 और एंगल मैं कितना दे रहा हूँ 45. जरूरी नहीं है कि आप 45 ही लोगे, जो आपको ड्राइंग में दे रखा होगा वो एंगल आपको सिलेक्ट करना है. सो मैं यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आप इसको इजिली समझ पाए. ओके सो आप एंगल इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड 45 डिग्री के एंगल ले रहा हूँ. सो जैसे मैं यहाँ पे पॉलीलाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो चारों कॉर्नर में मेरी चैम्फर अप्लाई हो चुकी है. ओके सो इस तरह से आप पॉलीलाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे मैं नो ट्रिम ऑप्शन चेक कर लेता हूँ. मैंने नो ट्रिम सिलेक्ट कर लिया और पॉलीलाइन भी सिलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस दे रहा हूँ 50 एंड सेकंड चैम्फर डिस्टेंस दे रहा हूँ मैं 60 और सिलेक्ट द 2D पॉलीलाइन और मैंने 2D पॉलीलाइन सिलेक्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स रिमूव नहीं हुए. ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैम्फर कमांड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी. इसी तरह से नॉर्मली फिलेट और चैम्फर में एक ही तरह की ऑप्शंस आ रही हैं, आप इसको यूज कर सकते हो बट दोनों ही डिफरेंट हैं. ओके सो आई होप आपको ये दोनों कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी. सो मैं अगेन कंट्रोल जेड कर रहा हूँ. इसी के साथ नेक्स्ट कमांड करते हैं हमारे पास ब्लेंड कर्व्स. ओके सो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, BLE एंटर. सो जैसे आप BLE एंटर करोगे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं,
तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बट यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है बिकॉज ये पॉलीलाइन में बनी हुई है। जब भी मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो वो पॉलीलाइन में ही होता है हमेशा। तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे अब यहाँ पे पूछ रहे सेकंड ऑब्जेक्ट, अगर मैं सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ वो सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके सो मेरे पास ये एक ही ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको डिफरेंट डिफरेंट बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लोड करूंगा, एंटर। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये मेरी लाइन में कन्वर्ट हो गई है। ओके सो इसको इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो लाइन में, लाइन टू पॉलीलाइन और पॉलीलाइन टू लाइन। ओके सो अभी मैं यहाँ पे बी एल ई एंटर कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट पूछ रहे हैं, मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो इसके अकॉर्डिंग ये कर्व बन गया। अगेन देखते हैं इसी को, मैंने फर्स्ट कर्व सिलेक्ट किया, सेकंड कर्व सिलेक्ट किया, इसके अकॉर्डिंग ये कर्व बन गया। अगेन देखते हैं, मैंने फर्स्ट कर्व सिलेक्ट किया और सेकंड कर्व सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो ये कर्व इसके अकॉर्डिंग बने। अब ये कर्व जो अलग अलग बन रहे हैं ये किस तरह से बन रहे हैं, मेरी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके कंट्रोल जेड करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सिलेक्शन हो रही है। आप देखिए, अगेन मैं बी एल ई एंटर कर रहा हूँ, सो यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो मैंने ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया उसमें सिलेक्शन देखो मेरी कहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे मैंने सिलेक्ट किया और उसी की पैरेलल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सेकेंड ऑब्जेक्ट में, तो कर्व इस तरह से बनेगा। ओके सो अगेन मैं ब्लेंड सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट में इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया और सेकेंड ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ऑब्जेक्ट जो है मेरा कर्व जो है वो इस तरह से बन के आएगा। ओके इसके बाद जैसे मान लीजिए यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और सेकंड बॉडी में मैंने यहां से सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कर्व यहां पे भी इसी तरह से बन गया। ओके सो इसमें मैं कंट्रोल जेड करता हूं, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ब्लेंड में एक चीज और देख लेते हैं, बी एल ई एंटर, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और यहां से मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग ये कर्व बन जाएगा। सो ब्लेंड में एक और ऑप्शन आती है कंटिन्यूटी की, सो यहाँ पे टेंजेंट की जो ऑप्शन आ रही है, नॉर्मली हमारे पास टेंजेंट ही सारी कर्व्स बनती हैं, जैसे ये है और ये है, तो ये नॉर्मली जो हमारी कर्व्स हैं वो टेंजेंट ही बनती हैं। जैसे अगर आपके पास कोई टेंजेंट कर्व नहीं आ रही है तो आप उसको टेंजेंट कर सकते हो सिलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यूटी से। ओके सो कंटिन्यूटी में एक और ऑप्शन आ रही है मेरे पास स्मूथ की, मैं यहाँ पे स्मूथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये देखिए अब मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो इसके अकॉर्डिंग ये स्मूथ बन गया। आप इस तरह से भी कर्व बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये भी कमांड अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इनको ट्राई कीजिए, इनको यूज कीजिए, इनको अप्लाई कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।